निकला था वो सब। सो आप लोग समझ ही गए होंगे कितना तेज बारिश हुआ इधर। चैनल को सब्सक्राइब करो पहले। हाँ जल्दी करो, मुझे पता है कि आप लोग नहीं करते, वीडियो देखते हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे। अरे बाप रे, हवा तो आज दोस्त मैं खेत तरफ घूमने आ गया, और खेत तरफ इसलिए घूमने आया क्योंकि आज रात में बहुत तेज बारिश हुआ। इतना तेज बारिश हुआ कि पूरा बाढ़ आ गया, खेत में इतना पानी भर गया है ना, पूरा धान डूब गया है। और अभी बहुत तेज वो बाढ़ भी हो रहे हैं, आधा आधा जो रोपा लगाए थे आज कल आज लगाए थे वो सब रोपा भी भर गया है। इधर देख सकते हैं, इधर देखिए कितना तेज पानी बह रहा है। रुक बाइक कैमरा करके दिखाता हूँ आप लोगों को। पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को एक लाइक कर देना ताकि मैं और वीडियो बना सकूँ। लाइक करते हो तो वीडियो बनाने का मन करता है दोस्तों, तो लाइक ज़रूर से कर देना, और नहीं हो तो सब्सक्राइब भी कर देना। चलिए मैं बाइक कैमरा करके दिखाता हूँ आप लोगों को कितना तेज पानी आया है। तो इधर देख सकते हैं किस तरीके से पानी आया है, इतना तेज तेज, और ये पूरा धान सो गया है। धान तो खैर रोपा लगाए थे इसीलिए अभी खड़ा नहीं हुआ था तो सो गया। और इधर घास देखो, घास किस तरीके से लेट गया है, लगता है बहुत तेज पानी बह रहा था इसमें से, अभी थोड़ा कम हो गया है। इधर देख सकते हैं कितना घास पूरा लेट गया है, और वो उधर आगे सामने दिखाई दे रहा है तालाब के समान दिख रहा है, वो पूरा पानी ही है। सुबह आए रहता पर सुबह और तेज पानी गिर रहा था तो मैं नहीं आया, उस टाइम वीडियो बनाने भी नहीं सकता अगर सुबह आए रहता तो, इसलिए सुबह नहीं आया। फिर अभी आया हूँ, थोड़ा पानी कम हुआ है। तो इधर देख सकते हैं कितना हरा भरा धान भी दिखाई दे रहा है, और उधर पानी वो तालाब के समान दिखाई दे रहा है, वो खेत है उसमें पूरा पानी भर गया है। मैं वहाँ सामने जाके दिखाता हूँ आप लोगों को किस तरीके से नदी के समान दिखाई दे रहा है पानी। चलिए तो मैं वहाँ जाके दिखाता हूँ आप लोगों को कितना तेज पानी गिरा है, कितना बह रहा है। वीडियो में बने रहना लास्ट तक। अभी ये मेढ़ में चलते चलते जाना भी मुश्किल है क्योंकि बारिश हुआ है, फिसलने का डर है। तो अभी थोड़ा स्केप करता हूँ, फिर वहाँ पहुँच के आप लोग से मिलता हूँ। तो दोस्त मैं अभी यहाँ जहाँ पे दिखा रहा था पानी भर गया है कह रहा था, वहाँ मैं पहुँच गया हूँ। इधर सामने में देख सकते हो कितना ज़्यादा पानी है, खेत में भरा हुआ पानी। इसमें का तो धान भी दिखाई नहीं दे रहा है। गड्ढा खेत है जिसको हम लोग बांध बोलते हैं, बंधा खेत बोलते हैं, वही खेत है, इसीलिए इसमें पानी ज़्यादा भरा है, और इतना भरा है कि धान भी दिखाई नहीं दे रहा है, हल्का हल्का दिखाई दे रहा है, वो भी एक साइड का, और वो आगे साइड का दिखाई ही नहीं दे रहा है, इतना तेज पानी आया है। और आगे चल के दिखाता हूँ मैं आप लोगों को कितना तेज़ी से बह रहा है पानी। इधर भी देख सकते हैं ये नीचे वाला खेत पूरा पानी से भर गया था, ऐसा दिखाई दे रहा है क्योंकि धान आधा सोया हुआ है तो उसमें भी पूरा पानी भरा था। और इधर देख सकते हैं किस तरीके से छोटा सा नाला था वो इतना बड़ा नाला बन गया, नदी की तरह बह रहा है। देखो इसमें पूरा लंबा घास निकला था वो सब सो गया है पानी की वजह से। देखो किस तरह नदी के समान बह रहा है। आगे उधर और वो दूर में दिखाई दे रहा है, उधर और ज़्यादा पानी है, पर मैं उधर अभी नहीं जाऊंगा, बस यहीं तक आप लोग को दिखाता हूँ। इतना पानी देख के आप लोग समझ ही गए होंगे कितना तेज़ बारिश हुआ इधर। इतना पानी देख के आप लोग समझ ही गए होंगे कितना तेज़ बारिश हुआ इस साइड।
देखो किस तरीके से दिखाई दे रहा है, तालाब के समान, पूरा नदी के समान दिखाई दे रहा है। पूरा ये साइड लबालब पानी भर गया है। अरे इधर से तो दिखाई ही नहीं दे रहा है कुछ। इतना बड़ा खेत में पूरा पानी भर गया है, बांध के समान दिखाई दे रहा है। तो यार दोस्त, मैं आज के लिए बस यहीं तक वीडियो बनाता हूँ। मेरे को अपना पक्षी के लिए भोजन भी ढूंढने जाना है, तो मैं इधर से ही पक्षी के लिए भोजन ढूंढते हुए जाऊँगा। हवा भी चल रहा है, छाता भी उलटने उलटने हो रहा है। तो बस आज के लिए यहीं तक। लाइक करना, सब्सक्राइब करना और वीडियो को शेयर कर देना ज़रूर से। चलिए तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।